ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ, और क्या टीम एक्सो टॉप फाइव में जी नहीं दूसरे पायदान पे देखने को मिल जाएंगे। पहले दिन के बाद वो टॉप एट में दिख भी नहीं रहे थे और अब सीधे दूसरे पायदान। देखिए सेंसर से जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हम पहले नंबर के लिए खेलते हैं, हमें दूसरा तीसरा चौथा पांचवा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहला स्थान चाहिए और वो चीज दिख रहा है। उनकी जो मानसिकता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले मैच में 27 फिर 26 टोटल 75 अंक वो लेके गए हैं यहाँ पे टोटल 6 मैचों में। बट ऑड अवार्ड्स को आप देखें, 5 मैचेस खेले हैं, 68 अंक उनके पास रहेंगे, टीम सोल तो टॉप पे ही 114 अंक के साथ, और वो बराबरी का मुकाबला रख रहे हैं अपने फिनिशेस और प्लेसमेंट में, लगभग बराबरी का ही मुकाबला रख रहे हैं। 56 जो फिनिशेस हैं और 58 जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। बट चलिए चलते हैं दूसरे पेज की तरफ, बाकी जो 8 टीमें हैं उनको निहारेंगे। एनिग्मा गैलेक्सी थोड़ा सा नीचे जरूर आई है, अभी इनके 5-5 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लाइंड ओआर RTR, ACBC की बात करें टीम INS 5 मैचेस इनके भी हो गए, MG 5, ग्लोबल 5। ग्लोबल का ये वाला मैच बेहतर रहा, आप देखें 15 फिनिशेस तो खाली इस मैच में वो लेके गए हैं, 7 फिनिशेस उन्होंने पिछले 4 मैचों में निकाले थे। बिल्कुल आज के दिन के मैं कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत हमें जरूर से उनकी देखने को मिली है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की बात करें एक बढ़िया मुकाबला उनके लिए, बट अगेन वो जो पोजीशन पॉइंट्स है उसको अभी भी थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत रहने वाली है, थोड़ा पोजीशन ओरिएंटेड गेम प्ले उनको खेलना पड़ेगा। बिकॉज वी ऑल नो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की गन पार किसी से छुपा नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग गन पार हमें उनका देखने को मिलता है। चलेंगे बाकी की टीम्स की तरफ और देखते हैं कि वो अभी के लिए कौन से पायदान पर देखने को मिल रहे हैं। इनिशिएटिव एकेडमी अभी भी बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल देखने को मिलते हुए, जहां 5 मैचेस में मात्र 3 अंक वो लेके गए हैं। टीम एनिग्मा गेमिंग पूरी तरीके से निराश किया आज के प्रदर्शन की बात करें, कुछ खास वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाए। वॉकआउट्स की बात करें पहला मुकाबला अच्छा नहीं किया उनका, और ये वो टीम्स हैं जिनसे हमने कितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, स्पेशली अगर हम बात करें ई-स्पोर्ट्स वाले WSF जिस प्रकार से वो खेल रहे थे, टीम UP50 जिस प्रकार से वो खेल रहे थे, वो प्रदर्शन अभी तक आया नहीं।